विधानसभा गुजराती सेल द्वारा महावीर क्लिनिक के 50 साल पूरे होने पर गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजन किया गया। मलाड विधानसभा गुजराती सेल की तरफ से संगीत कार्यक्रम उत्कर्ष विद्यालय ग्राउंड महावीर क्लिनिक के सामने मामलेदरवाड़ी मलाड पश्चिम में श्री महावीर क्लिनिक के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में म्यूजिक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी, स्थानीय विधायक और पर्यावरण मंत्री असलम शेख, भाजपा विधायक योगेश सागर, आशीष सेलर, श्री महावीर क्लिनिक के सभी ट्रस्टी जयकांत हिरानी, भावेश दोषी, संदीप पारेख, जिग्नेश हिरानी और महावीर क्लिनिक के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। श्री महावीर क्लिनिक की तरफ से एम्बुलेंस का उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित है, दाता उपस्थित है। ये 55 साल पुरानी संस्था पिछले 55 साल से किसी धर्म के भेदभाव बगैर, भाषा के भेदभाव बगैर, प्रांत के भेदभाव बगैर लोगों की सहायता करती है। और जिस प्रकार की सारवार यहाँ पर होती है, जिस कीमत पर होती है, ये शायद ही किसी को परवड़ने वाली कीमत इस प्रकार की किसी को मिलती होगी। इस प्रकार के कम दाम में जो सेवा उपलब्ध करती है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और समाज को आह्वान करता हूं कि ऐसी जो समाज की माँ है, जो समाज की ऐसी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की सारवार करती है, सेवा करती है, उसका जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। मैं उनके सभी ट्रस्टियों का हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अच्छे कामों के अंदर कोरोना के बाद जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम में अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों की सहायता कर रही है। उन सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत महावीर क्लिनिक को 50 साल पूरा हुआ है और पूरे 50 साल के अंदर इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। मैं पिछले 25 साल से इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों की सेवाएँ की है। आने वाले दिनों में बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी इनकी इमारत बने और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा हो। इसके अलावा एम्बुलेंस का भी आज उद्घाटन हुआ असलम जी। सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करके सामान्य लोगों को देते हैं। 5,000 में एंजियोग्राफी करते हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस गरीब के पास 5,000 रुपये नहीं है, उसको विनामूल्य करने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। बहुत सारे कामों के साथ साथ में आज एक बहुत अच्छा एम्बुलेंस जनता के सुविधा के लिए उन्होंने लोकार्पण किया। बजाज फैमिली जो है उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्होंने इस एम्बुलेंस को डोनेट किया है और महावीर क्लिनिक के लोग उसको चलाने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में महावीर क्लिनिक का रीडेवलपमेंट का प्लानिंग भी है, जल्दी से रीडेवलपमेंट करके एक मलाड के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, इस प्रकार का एक प्रयास हमने करना चाहिए। मेडिकल बहुत महंगा होते जा रहा है। 2 चैरिटेबल हॉस्पिटल का उल्लेख मैंने किया, जहाँ पर एक जगह पर 60 लाख रुपये का बिल हुआ, एक जगह पर सिर्फ एक एक्सीडेंट होने के बाद में एक रॉड निकालने का और 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करने का 1,60,000 रुपया चैरिटेबल हॉस्पिटल में बिल होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना बिल होता होगा। इसलिए सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो गया है और इसका अगर कुछ अंश में दोषी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से हम लोग भी है।
क्योंकि पैसे वाले लोग हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के लोग अप्रूवल देते नहीं है, क्लियरेंस देते नहीं है। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में, और मैं चाहता हूँ कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में जुड़े लोग अगर दाताओं को क्लियरेंस फटाफट देंगे तो बड़े पैमाने पे लोग आगे आकर इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए तत्पर है। मैं मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल ऐसा नेतृत्व करते हुए सभी क्षेत्र को छूते हुए मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। तो हम उत्तर मुंबई में आने वाले दिनों में अधिक से अधिक सुविधा लोगों को कैसे मिले उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। श्री महावीर क्लिनिक की तरफ से मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े भाई श्री जयकांत भाई हिरानी, जिग्नेश भाई हिरानी, प्रवीण भाई लादानी, श्री भावेश भाई दोषी और साथ में हर्षद भाई दोषी, ये 6 जन की हमारी जो टीम है वो महावीर क्लिनिक की हर दिन प्रगति, और मैं खुद संदीप पारेख, महावीर क्लिनिक की प्रगति के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। और गरीबों को जो सेवा देनी है, जो जो भी अपना आँख का हो, दांत का हो, जो भी ट्रीटमेंट हो, हम लोग कम से कम रेट में और शायद मुफ्त में भी करने की कोशिश करेंगे। और इस सब चीज़ में हमारे जो स्टाफ है, सम्मानीय स्टाफ, सम्मानीय सारे डॉक्टर, सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर, जो हमारे केटल पिलर है वो अमित भाई भी है, अमित भाई हमारे NABL लैब चलाते हैं, मैं उन सबको शुक्रिया करता हूँ। और महावीर क्लिनिक जब से स्थापना हुई थी तब से मैं सारे ट्रस्टियों को वंदन और प्रणाम करता हूँ और सबको थैंक यू बोलता हूँ कि हमें ये सेवा का मौका इस ईयर 5-6 साल में हमको दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। सर क्या कहना चाहेंगे, आज गोल्डन जुबली बना रहे हैं। देखिए आज 53 ईयर्स हुआ, कोरोना के काल में हम लोग को 2 साल अवसर नहीं मिला था गोल्डन जुबली मनाने का, तो ये गोल्डन जुबली हमने मनाने का तो एक प्रोग्राम के बहाने सबको जमा करने था और दिखाना था कि जो हमने काम किया है उसका विवरण देना था और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जोड़ना था कि ताकि ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बेनिफिट ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और आने वाले दिनों में इसका हम नवनिर्माण करेंगे और 2 एकड़ की ज़मीन हम गवर्नमेंट से लेके, आज माननीय मंत्री श्री असलम शेख जी, गोपाल सेट्टी जी, सब लोग यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है 2 एकड़ की ज़मीन लेके हम लोग एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करने को जा रहे हैं। जय जिनेंद्रा, मैं महावीर क्लिनिक की ओर से बोलना मांगता हूँ कि जो आपने हमारा इंटरव्यू पहले भी लिया है और आज भी दे रहा हूँ, आपने उस दिन भी देखा होगा कि हमारा जो विज़न है मेन, कि जो गरीब लोगों का सेवा करने का, आँख का ऑपरेशन हो, दांत का हो, या 110 डॉक्टर हमारे उधर काम कर रहा है और सब डॉक्टर ऐसा है कि ये डॉक्टर नहीं है और स्टाफ नहीं है, 50 आदमी का स्टाफ है और सब हमारे फैमिली मेंबर है, सबको ये पब्लिक जो हमने ये आज है, हमारा समाज के लोग है, दूसरे समाज के लोग है और सबको हम इकट्ठे, मोदी जैसा है हमारा कि एक साथ में लेके मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में ये हमारे भावेश भाई है, संदीप भाई है, प्रवीण भाई है, जिग्नेश भाई है, हर्षद भाई है, सब साथ में काम रहे हैं और अभी सब साथ में काम करते रहेंगे और आगे बढ़ेगा हमारे, ये मेरा आपका पक्का वादा है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।